जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई शनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में भी सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आज से करीबन एक साल पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए गुजरात के नायक हरीश यहाँ परमार का मंगलवार को हजारों की भीड़ के बीच अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद हरीश यहाँ के पार्थिव शरीर को मंगलवार को कप्पड़म तालुका स्थित उनके पैतृक गांव वणजारिया लाया गया। अहमाबाद से वणजारिया के रास्ते में हजारों लोगों ने शहीद अमर रहे और भारत माता के जयकारे लगाए। इस यात्रा में 2000 से अधिक बाइक सवार और पैदल यात्री शामिल हुए, जिसमें 50,000 से अधिक लोग शहीद को अंतिम सम्मान देने के लिए उमड़ पड़े। कप्पड़वंज और वणजारिया के बीच 7 किलोमीटर की दूरी को तय करने में सेना के वाहन को 5 घंटे लगे। पूरे सैन्य सम्मान के साथ वीर बलिदानी हरीश परमार का दाह संस्कार कर दिया गया। हरीश परमार काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी। अगले वर्ष उनकी शादी होने वाली थी, इससे पहले वह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, वीर बलिदानी हरीश परमार जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे, तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। सैनिक की मौत पर परिवार को दुख कम और गर्व ज़्यादा होता है। ऐसे सपूतों को जन्म देकर माँ का कोख भी धन्य हो जाता है, जिसकी वजह से सारा जहां चैन से सोता है। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।